मेरा नाम सतनाम सिंह। सतनाम जी, जिदी मौत हुई है और कौन है तुम्हारा, तुम्हारा नाम की है? मेरा छोटा ब्रदर है दविंदर सिंह। की होया की सी? उन्होंने होया की है अज तो 15 दिन पहले 17 तरीक की गल है। इन्हों की जेल के आपस में थोड़ी बहुत झगड़ा होया वा। आपस में अंदर मुंडिया ही होया वा, ठीक है। मुंडिया झगड़ा होने तो बाद इन्हें जेल पुलिस प्रशासन ने उन्होंने कुटिया वा, उन्होंने सट्टा लाइया वा, उसकी लत फ्रैक्चर की आ। अमृतसर जेल अफसरों की पिटाई से अधमरे हुए सजायाफ्ता कैदी की मौत से जेल से प्रशासन तक हड़कंप। जेल अफसरान पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और जिला प्रशासन को सेट करने की जुगत में लगे। कानूनी कार्यवाही के नाम पर प्रशासन का रवैया ढुलमुल। मृतक के परिवार ने की कानूनी कार्यवाही की मांग। दरअसल अमृतसर की जेल में 2 हफ्ता पहले कुछ कैदियों में झगड़ा होने पर जेल अफसरों ने सजा याफ्ता कैदी देवेंद्र सिंह को जानवरों की तरह पीटा और जब वह मरने की हालत में पहुंच गया तब उसे इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया था। जेल अफसरों की पिटाई से बुरी तरह जख्मी हुए देवेंद्र की 15 दिन से चल रहे इलाज के दौरान आज मौत हो गई। कैदी की मौत के बाद जेल अफसरान में हड़कंप मच गया। जेल अफसरान पुलिस और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर को सेट करने में जुट गए। मृतक के परिवार का इल्जाम है कि कैदियों की झड़प होने के बाद जेल अफसरों ने उसे बुरी तरह से पीटा था। मृतक के भाई सतनाम का कहना है कि उसे धमकी दी गई थी कि वह जेल अफसरों के खिलाफ कोई भी बयान नहीं देगा। सतनाम सिंह का कहना है कि उसके भाई को दोपहर 3 बजे चोटें आई थी लेकिन पुलिस रात 11 बजे के बाद अस्पताल ले गई। परिवार ने जेल में तैनात 4 अफसरों के नाम बताकर उनके खिलाफ कार्रवाई की करने और इंसाफ की मांग कर रहा है। मेरा नाम सतनाम सिंह। सतनाम जी, जिदी मौत हुई है और कौन है तुम्हारा, तुम्हारा नाम की है? मेरा छोटा ब्रदर है दविंदर सिंह। की होया की सी? उन्होंने होया की है अज तो 15 दिन पहले 17 तरीक की गल है। इन्हों की जेल के आपस में थोड़ी बहुत झगड़ा होया वा। कि आपस में अंदर मुंडिया ही होया वा, ठीक है। मुंडिया झगड़ा होने तो बाद इन्हें जेल पुलिस प्रशासन ने उन्होंने कुटिया वा, उन्होंने सट्टा लाइया वा, उसकी लत फ्रैक्चर की आ। सिर के सट होने के बावजूद उन्होंने अजय तकरीबन कोई 15-16 दिन हो गए हॉस्पिटल के एडमिट, ठीक है। उस तो बाद 15-16 दिन बाद अपन दर्द जी है सट्टा की वो ना सहारा हो अज दम तोड़ दिता। NDPS केस देर पहले इन्हों 3.5 साल हो गए हैं तकरीबन 37-38 महीने। हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने कहा है कि इदा इदा मैं मारिया, यह 3 बजे के करीब लत टुटी है, सट लगी इन 3 बजे के करीब टॉर्चर किया गया वा। उस तो बाद तकरीबन कोई रात 11 बजे के करीब सिविल हॉस्पिटल अमृतसर लिया, भी ये लैके इनू दवा एक फॉर्मेलिटी पूरी करके वापस लै जाले ही। फिर असी रोकया ही भी नहीं, साढ़े बंदे अं जिन्ना चिर इलाज नहीं होंगे इनू भी वापस नहीं जाते। अरे वो काफ़ी हालात के काफ़ी दर्द महसूस, काफ़ी लीला देन दिया ही, काफ़ी रौला पा रहा है कि मेरे दर्द बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर भी पुलिस प्रशासन जो इन्होंने नाल आया हुआ है उन्होंने इन वापस करने की बड़ी कोशिश की आ, पर चलो ठीक है, साढ़े नाल कुछ है ही नुमाइंदे उन्होंने इन्होंने नहीं जान दिता, असी इन्हों रोकया भी यदा इलाज करवा। हाँ जी, विह 2 बेटे 2 बच्चे वे अभी जेल प्रशासन के खिलाफ यही मांग करना चाहते हैं भी सानू बंदा इंसाफ जो दवाया जाए। हाँ जी, वो इन्हों के है जेल के एक नवदीप राजा वा जिन्होंने इन्होंने टॉर्चर किया वा, एक जगदीप है DSP फोरेस्ट इंचार्ज आ, एक जगेश आ CRPF का, ठीक है। एक सुचा सिंह आ, ये 6 ब्लॉक का वजे इंचार्ज है। एक समाइल ज्योति आ, इन्होंने टॉर्चर किया हुआ, इन्होंने टॉर्चर किया हुआ, पर इन्हें अंदर उन्होंने ता ही नहीं लिया। इन्हें पहले उन्होंने इन्ना मनाइया अंदर मेरी गल हुई हूँ तो कि अभी तो हटते कोई कार्रवाई ना करो तो इन इलाज वास्ते फिर अं बहर खड़ा गए, उदा नहीं लिया क्योंकि 3 बजे की सट लगी लगन के बावजूद रात 11 बजे लैके आए ही सारिया इन्ना मना के, क्योंकि मैं अं बहर कार्रवाई उदन कर लगे हाँ। पर मेरा भरा उदन कहता है भी इन्हें मैं आख्या भी बाहर कार्रवाई ना करो, नहीं तो तेन जेल के बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई करा तेन। उधर पुलिस अफसरान भी इस मामले में कुछ खुलकर बोलते नजर नहीं आ रहे हैं, सिर्फ जांच शब्द का सहारा लेकर सवालों से बच रहे हैं। ਸਤਾਰਾਂ
ਤਰੀਕ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਤੇ ਕੱਲ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਗੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਜੀ ਜੋ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਕਿਹਨੇ ਸਿੱਧ ਫੈਕਟ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਦੀ ਹਾਂ ਅਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪੰਥਾ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵੀ ਹੋਣਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਣੀ ਆ